हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज फिर हम लोग लेकर आ गए एक और तकदीर वाला मूवी के बेस्ट कॉमेडी सीन पर, क्योंकि इस मूवी ने तो हमारा दिल ले लिया। हाँ, यार और आप लोगों की भी, इन लोगों की भी भाई बहुत डिमांड थी भाई। यार भाई कमेंट सेक्शन में तो एक ही नारा लग रहा है भाई, हाँ, तकदीर वाला तकदीर। हाँ, वाला इसके और भी सी, मतलब सारे जो सीन बनते कॉमेडी वो लेकर आ। हाँ तो अब लेकर आ गए हैं, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कड़न करते स्टार्ट। ये क्या है, ये छोरा कहाँ से आ गया? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? कितने 100 रुपए? चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा। ये है कौन है? जल्दी कबूल। ये क्या, ये एक साथ कर क्या रहे? अबे ओए, मालूम ये बड़े कमाल के एक्टर है वो वाले भी, ये बराबर वाले ना, ये वाले। हाँ कौन? बड़ा रावण। चुप चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तू माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़ खिसक गया। नहीं गुरु, असल में पैलेस हमारा है। ये छोकरा वाकई में पागल लगता है, थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा यानी कि 1000 रुपया? 1000 रुपया वैसे ही नहीं करूंगा, डिसाइड करूंगा, डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा, फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया। चलो बाबा यहाँ से चल रहे हीरो, ठीक है? सबको पका रहा है। डाल मछली डाल। स्वर्णा पैलेस खरीदेगा? स्वर्णा पैलेस ब्लड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लड खरीदने का पैसा है का? अकुम बकुम अकुम बकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपए मिलेगा? मिलेगा, उस वक्त भी 1000 रुपया बड़ी चीज। पहले हमारे ये जूता साफ कर। अकुम बकुम ये क्या कर रहा है सूरज? तू किस खानदान का खून है तू, और जूते साफ करेगा? क्या मतलब लग गया? किसने कहा कि मुझे 1000 रुपए देगा? इस तरह 1000-1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने, यानी कि स्वर्णा पैलेस, यानी कि स्वर्णा पैलेस बड़ा ही होगा घर ले जाना है। अबे उस टाइम पे 5 करोड़ मजाक है क्या? अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा, मुझे छोड़ दे। सूरज ये हीरो बड़ा फेमस है यार, यार पुरानी मूवी है। ये देख इसकी बेचारे की वो कर रही ना बेस्ती। ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो? तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना क्या दे रहा है? हो जाएगा, मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये क्या दे रहा है? शराब है। रगड़ लो, रगड़ लो। नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या, मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज सूरज मैं पी गई। अबे पूरी मीट पी? हाँ, पूरी बोतल घटक गई। ये लगा। अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। ले भाई। अरे दो दो मार गई बे। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इसलिए मैं तुझे मार रहा। कह रहा उसको क्यों मार रहा है? कि सूसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है, पतली गली निकल। दादी तू ही तो बोल रहा है भाई। अरे मेरा 1000 रुपया
मैं कल डिसाइड करूंगा। वही पक्का। अरे एडिटर आजा आजा। तू हमरी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो बे। तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो कविता इसकी? देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसने। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन की पोस्टल वैन कौन सी? अबे ये कहीं उसी कहते उसने मुंह बनाई। नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5 थैले? अरे इसमें अचरज की क्या बात है, अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है। ओ, तो कविता के रसिया मतलब लोगों के करके आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे 5 थैले भर के पत्र। अगले को ये सब आप डिसाइड किया है? तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल एक एक चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। देखते हैं भाई अब चिट्ठियों में लिखा क्या। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। वाह वाह वाह। अच्छा बहन की शादी? बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे, नीच कमीने, सुअर, तेरी अधगली लाश कुत्ते खाएंगे। अकुम अकुम। ओ भाई बाबा तू नहीं लिखी है भाई। छोटा रावण तेरी तो गुरु इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। का बोला तू एडिटर का बच्चे कि लोग हमारे कविता के दीवाने? तो भाई तू नहीं लिखी है अब उसका बस बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो बहन की शादी का कल वो लोग कह रहे थे बार बार। ले चलो इस एडिटर को। हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए? पहले हम इसका डिसाइड करूंगा फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। इस बेचारे की भी तो बड़ी बेइज्जती हुई है। ए एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला तू हमको बदनाम किया। अब हम तेरे को कौन बनाएगा? अबे भाई सुअर। ओ ये ओ अगले इसके टपोरी लोग। वाह वाह वाह। ओ भाई शुरू में तो सही लिखा हुआ था ना, वो जो एंड में जब गालियां आई है थे ना, वो यार बड़ा मजे का यार। पता नहीं क्या कुछ बोल दो यार। अब एडिटर के कसूर है भाई, तू उसको बोलेगा कविता छाप तो उसको पता है कि तेरे इतने गुंडे तेरी घटिया से घटिया चीज भी वो छापेगा। कसूर उसका तो नहीं, कसूर तो तेरा है। हाँ तो और क्या जाहिर बात भाई है। भाई 5 बोरियां भर के गालियों के और भाई कविता जो ऐसी होगी तो गालियां नहीं पड़ेंगी इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देख ये मेरे ख्याल से जो दूसरा लड़का था शुरू में जब शक्ति कपूर आता करते कैसे होते ये वही सीन था। यम के दास का जो यू यू कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और उधर फिर जब यार वो मतलब 100 रुपए तो बेचारा ले रहा होता है, उसको 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर। यार बेचारा बहुत सीधा था, कहता है स्वर्णा पैलेस मैंने वो लेना है वापसी। और भाई खंजर से अगलों को डरा रहा है भाई। 100 रुपए और 5 करोड़ लेकिन भाई वो कहता चल तुझे मैं 1000 दूंगा तू मेरा काम कर। उसकी चप्पल साफ करता उसको, फिर पिलाते ही शराब। शराब पीते तो सही, रख रख के इसको कहता है अब पछताओगे। कहता नहीं नहीं मैं नहीं पछताऊंगा, ले पी ले पी ले। फिर भागता ही वहां से भाई, जब 2-3 थप्पड़ लगते हैं ना फिर नजर नहीं आती। इसको चढ़ गई लाला भाग यहां से। अब आपके सामने इन बंदों को मैं मारूंगा तो आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं आपको मार उठा। ओ यार मजा आ गया यार, बहुत मस्त है। और शक्ति कपूर साहब की तो
अदकार तुझे पता नहीं था भाई। अच्छा गुंडा भी बना हुआ और फनी भी बना हुआ है कसम से यार, कहते हैं ऐसी के भाई का एहसास आ गया यार, एक्टिंग बड़ी मस्त यार। जब वो गालियों की चिट्ठी पढ़ा जरा शांति कपूर यूं देख रहा चेहरा बना हुआ क्या, और पीछे से सारे वाह वाह वाह, वो बहुत लेवल का सीन ओ यार। शुरू में तो उसने सही पढ़ा ना, एंड में जब वो गाली आई ना, और दूसरा तो गया था अगले तो बोल शोर में थे वाह वाह वाह, कहता इसमें तो और ज्यादा गाली लिखी हुई है। ओ यार मजा आ गया ये देख कर यार। आप भी इसी तरह के और सीन भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली रिएक्शन लेकर आएंगे, आपके कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल रहे हैं। इतनी वीडियो खत्म करते तो बाय।